अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल प्यारे नबी का दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल में बहुत सी इस्लामी तालीमात फ्राहम करते हैं, और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज का वजीफ़ा उन दोस्तों के लिए है जो कि कर्ज के बोझ थले दब गए हैं और उनको अपना कर्ज उतारने के लिए कोई असबाब नज़र नहीं आ रहे। दोस्तों, कुरान करीम जो कि आखिरी इल्हामी किताब है, जिसका मकसद इंसान की दीनी और अखरवी हदायत है, इसके अलावा ये भी इस खुदाई किताब का मौजज़ा है कि इसकी मुख्तलिफ सूरतें और आयात जिस्मानी अमराज में शफा और हम्मा किस्म की मुश्किलातों मसाइब से निजात के लिए अक्सीर हैं। जिस तरह सूरह फातिहा शफा के लिए बहुत ही ज़रूरी समझी जाती है, आज की परेशान हाल इंसानियत जो मादियत के बोझ थले दबी हुई है, जब इसे सुकून और इत्मीनान के लिए रूहानियत की ज़रूरत पड़ती है, तो वो परेशानियों मायूसी में बाज़ औक़ात नाम नेहाद बाजारी आमलों के आस्ताने पर जा पहुँचती है, जहाँ की हया बाख्ता फिजा इसके ईमान माल और आबरू तक को तबाह कर देती है। आए दिन न जाने कितने हजरातों खवातीन ऐसे बाजारी आमलों के हाथों डसे जाती हैं, जो दर हकीकत दरिंदे हैं लेकिन खुद पर रूहानियत का मुकद्दस लेबल लगाए हुए हैं। आइए, हम मुसलमान इस लोगों से कैसे बच सकते हैं, मैं आपको बहुत ही आसान वजीफ़ा और तरीका बताता हूँ। समात फरमा लें, तरीका बहुत ही छोटा है और आसान है। इसकी बरकत से इंशाल्लाह आपके सारे कर्ज उतर जाएंगे, अल्लाह ताला इसमें बेहतर असबाब पैदा कर देंगे। दोस्तों, नमाज इशा के बाद या मुगनियों 1100 मरतबा पढ़ना है। या मुगनियों एक बहुत ही छोटा और ताकतवर लफ्ज़ है, ये अल्लाह ताला का इसमें ग्रामी है। इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ के ये वजीफ़ा करना है। 1100 बार या मुगनियों पढ़ना है। पहले इशा की नमाज के बाद 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ें, फिर 1100 मरतबा या मुगनियों पढ़ें, और फिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। ये अमल आपने 7 दिन करना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसकी बरकत से कैसे आपका 7 दिनों में कर्ज उतर जाएगा। अल्लाह ताला इसके सदक़े में बेहतर से बेहतर असबाब पैदा फरमा देंगे। ये बुज़ुर्गों आमिलों का आजमाया हुआ वजीफ़ा है, आप इसे ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपका हर किस्म का कर्ज उतर जाएगा, कर्ज से निजात मिल जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी का दीन समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अब लोगों से गुजारिश है, मेरी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल प्यारे नबी के दीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप आसानी से फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।